नमस्कार, मैं नम्रता मिश्रा आ चुकी हूँ विश्व केशना हब्स के काउंटर पे, जहाँ पे हम बात करेंगे इनके को फाउंडर कृष्ण गोपाल जी से, इनकी कंपनी के बारे में, किस तरह का इनका प्रोडक्ट है, क्या इनकी कंपनी है और किस तरह से ये भारत की अर्थव्यवस्था में सहयोग करेंगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कृष्ण गोपाल जी से। जी, मेरा नाम कृष्ण गोपाल हुआ और मैं को फाउंडर हूँ विश्व केशना हब्स एंड एरोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड की। हमारी कंपनी 8 से अधिक स्टेटों में किसानों के साथ काम कर रही है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, जहां पर हम लोग ऐसे क्षेत्र को पकड़ते हैं जहां फ्लड है, ड्रॉट है या फॉरेस्ट एरिया है, क्योंकि वहां पे किसानों की जो आमदनी है पर एकड़, यदि मैं एक एकड़ की बात करूं सालाना, तो 0 से लेके 30,000 तक है। यदि हम देखें एक एकड़ में मात्र 30,000 तक किसान कमा पाता है, तो हम लोग, क्योंकि उनका मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, बाढ़ से ख़त्म हो जाता है, सुखाड़ से ख़त्म हो जाता है, तो हम लोगों ने औषधीय और सगंध पौधे के माध्यम से उनकी आमदनी को बढ़ाने का काम किया है, जिसमें हम लोग लगभग 150 से ज़्यादा फसलों की खेती करवा रहे हैं और प्लस सस्टेनेबल वे में जंगल से कलेक्ट भी करवा रहे हैं। क्योंकि अभी यदि आप हर्बल सेक्टर को देखें तो 80% हर्ब्स अभी भी फॉरेस्ट से आ रहा है, तो हम लोग का अप्रोच सस्टेनेबल वे में है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी को कुछ भी डैमेज किए बिना हम कैसे उससे रिसोर्स ले सकते हैं। और अभी हमने कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं, जिसमें हमारा एक हर्बल फ्लोर क्लीनर है, इसकी टेक्नोलॉजी हमने CSIR NBRI के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लिया है और उनकी टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और साथ में बना भी रहे हैं। जो फ्लोर क्लीनर है फूड ग्रेड है, यदि आदमी के मुंह, बच्चों के मुंह में भी जाए तो कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। साथ में यदि हम फ्लोर मॉप की बात करें, ये टेक्नोलॉजी CSIR की सीमैप से हमने लिया है, कि दोनों इंस्टीट्यूट लखनऊ में हैं, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूट बायोडाइवर्सिटी और हर्बल प्रोडक्ट पे काम कर रही है, तो उनसे हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लेके हम लोग काम कर रहे हैं। साथ में हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट है वो कवच नाम से जाना जाता है, क्योंकि यदि आप देखें तो अनाज में कीड़े बहुत लग जाते हैं यदि लंबे समय तक रखा जाए, तो ये हर्बल टैबलेट है जो कीड़ों को मारता है और साथ में कीड़े नहीं लगने देता है। साथ में हमारे पास जो चौथा प्रोडक्ट है वो हनी है, हम लोग लगभग 10 से अधिक हनी FPO के साथ जुड़े हुए हैं, जो JNK से लेके नॉर्थ ईस्ट तक है, जहाँ पे हमारे पास 16+ वैरायटी की हनी उपलब्ध है। सर, अभी जैसे कि आप उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो में आए हुए हैं, यहाँ पे आपका किस प्रकार का अनुभव रहा और किस तरह से लोग आपको मिले, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, किस तरह से उन्होंने आपके प्रोडक्ट के बारे में सराहना की, इन सभी चीज़ों के बारे में भी कुछ बताइए। जैसे कुछ चीज़ें जो हमारे, हमने कुछ प्रोडक्ट को उनको स्मेल कराया या उनको टेस्ट के लिए दिया, तो उनका ये फीडबैक था कि इतना अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट आप कैसे दे रहे हैं, इनको रेट को थोड़ा आप महंगा करो और थोड़ा पैकेजिंग पे, क्योंकि हम लोग, क्योंकि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट तभी बिकता है जब उसका पैकेजिंग अच्छा हो, क्योंकि उसके भीतर कितना भी अच्छा सामान क्यों ना हो, यदि पैकेजिंग ढंग का नहीं है तो वो उस तरह से सेल नहीं होता है। तो उनका, जो हमारे स्टॉल पे जितने भी लोग आ रहे थे, उनका बिजनेस करने का भी बात हो रहा था, साथ में उन्होंने सजेशन भी दे रहे थे कि नहीं पैकिंग, क्योंकि हर एरिया में का डिमांड अलग होता है, पैकेजिंग स्टाइल अलग होता है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि कुछ लोग लुटियंस जोन के उनके क्लाइंट हैं, उस एरिया में सेल करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे एरिया के लिए इस तरह का पैकेजिंग मुझे चाहिए। तो एक पॉजिटिव फीडबैक हमेशा मिलता आया है कि आप अपने प्रोडक्ट को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, स्टडलेंस एक एडुटेक कंपनी है जो इंटर्नशिप देती है स्टूडेंट्स को, स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स को, इसके अलावा आप जैसे स्टार्टअप्स को इंटर्न्स देती है एक ही प्लेटफॉर्म पे, स्किल्स भी देती है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमारे विद्यार्थियों को बताइए कितना ज़रूरी है एक विद्यार्थी के लिए इंटर्नशिप करना, इसके बारे में। यदि इंटर्नशिप की बात करूं तो मुझे याद है जब मैं कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो हमारे प्रोफेसर कहते हैं कि तुम कॉलेज क्लास में दिखते ही नहीं हो, जाते किधर हो, क्यों नहीं आते हो। तो मैं अधिकतर समय फील्ड में देता था, अलग अलग NGO में काम करता था वहाँ से, क्योंकि आप एक एकेडमिक नॉलेज रख सकते हैं, ठीक है, क्लास नहीं जाके भी एकेडमिक नॉलेज सेल्फ स्टडी से आ सकता है, लेकिन फील्ड में आप जितना पसीना बर्न करेंगे वो उतना आपके लिए लॉन्ग टर्म कैरियर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हम लोग कहते हैं कि फील्ड में पसीना बहाइए
और कुछ समय के बाद वो मज़ा आता है, क्योंकि जब पसीना बह के आप काम जान जाते हैं, यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपको बॉटम से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है, वो मिडिल में जाके आप जाते हैं, मिडिल या हायर मिडिल में सेटल हो जाते हैं। तो एक स्किल और इंटर्नशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। यदि मेरा बस चले तो मैं पूरे सिलेबस में 50% इंटर्नशिप कर दूँ, हर सिलेबस हर कोर्स के साथ उसका इंटर्नशिप भाई आपको करना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्ण गोपाल जी। तो अभी हमने बात की को फाउंडर ऑफ विश्व केशना के कृष्ण गोपाल जी से, इनसे जाना इनकी कंपनी के बारे में, इनके प्रोडक्ट के बारे में, इनके अनुभव के बारे में और इनकी क्या राय है विद्यार्थियों के इंटर्नशिप से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों के बारे में। मैं नम्रता मिश्रा, कैमरामैन अभय श्रीवास्तव के साथ।